यह नोटिफिकेशन है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि पीआईबी का नोटिफिकेशन है, भारत सरकार का यह नोटिफिकेशन है। आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो यहां ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा। फिर आप मंत्रालय में, गृह मंत्रालय जाएंगे, तारीख में 15 जाएंगे, अप्रैल मंथ में जाएंगे और डेट यहां पे सन में 2023, तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखेगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय के सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भाषाओं में कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दी है। तो मंजूरी मिल गई है, अब बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरा यह गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन सामने ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हम आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देते हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए और आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए यह लिखा हुआ है यहां पर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत गृह मंत्रालय में सीएपीएफ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी। यहां पे आप आगे थोड़ा सा पढ़ देते हैं, अभी आपको डेट भी मिल जाएगा कि एग्जाम कब होना है। एक बार ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पे लिखा हुआ है यह ऐतिहासिक निर्णय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल में सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। आगे बोल रहा है प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, देखिए पहले हिंदी इंग्लिश में होता था, उसके अलावा अन्य भाषाएं 13 भाषाओं में होगा। वो कौन कौन भाषाएं हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी में तैयार किया जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में भाग ले सकेंगे, जिससे उनके चयन की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। जब आप अपनी भाषा में देंगे परीक्षा तो चयन की संभावनाएं क्या होगी, बढ़ेगी। बहुत से बच्चे हिंदी इंग्लिश नहीं जानते हैं जो दूसरे राज्य के हैं, ठीक है, तो वो अपनी भाषा में भी दे सकेंगे। बोल रहा है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, यहां पे थोड़ा सा सारे बच्चे नोट करेंगे और समझिएगा, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। देखिएगा उसी के तहत एसएससी के तहत आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो एसएससी की जो वैकेंसी होती है कांस्टेबल की आपको पता ही है, एसएससी जीडी का एसएससी जीडी के तहत होता है, जिसमें आपकी सारी वैकेंसी होने वाली है। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पे देखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो ये रहा, 1 जनवरी 2024 से आपकी एग्जाम होनी है। यानी डेट जब क्लियर है तो वैकेंसी भी मान लीजिए क्लियर है और एग्जाम भी होना तय है और आपका सिलेक्शन भी होना तय है, बस आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई आपको स्टार्ट करना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसके लिए एज क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, फॉर्म कब आएगा, ये सब आप लोग सोच रहे होंगे। तो सारा चीज अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ये 1 जनवरी से जब परीक्षा होगा तो इससे 3-4 महीना आप पीछे आ जाइए, ठीक है। जुलाई अगस्त मान लीजिए, जुलाई अगस्त में क्या होगा, जुलाई अगस्त में आप मान के चलिए कि फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल होने लगेगा, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं रहनेगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं, बहुत से टीचर भी बोलते हैं अभी एग्जाम नहीं है तो पढ़िए मत, ऐसा नहीं है। पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, एग्जाम है या नहीं है आने वाले टाइम में देना है, आपको सिलेबस को पूरा करना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़िए, जीएस पढ़िए, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग सारे बच्चे क्या करेंगे, ये डेट आप लोग नोट रखिएगा, 1 जनवरी 2024 से क्या होगा, परीक्षा का आयोजन होगा। चलिए अब हम आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आप लोगों को बताते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और आप लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले देख लीजिए एसएससी जीडी जो आपका अभी पैटर्न बदला, उस आधार पे हम लोग चलेंगे और जो आपकी तैयारी चलने वाली है उसी बेस पे चलने वाली है। एज जो है उसका जो रहने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए एसएससी जीडी का जो एज रहता है वो कितना रहता है, 18 से 23, और छूट भी मिलता है ओबीसी एससी एसटी और भी कैटेगरी के जो उम्मीदवार है उनको एज में छूट भी दिया जाता है, आपको पता है। तो 18 से 23 आप एज मान के चलिए। उसके बाद से हम आपको बता दें योग्यता क्वालिफिकेशन एसएससी जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन रहता है वो क्या रहता है, 10th पास यानी 10वीं पास, हाई स्कूल परीक्षा अगर आप पास कर ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 10th पास इसका ये होगा। फॉर्म कब तक, तो फॉर्म आप मान के चलिए जुलाई या अगस्त, ठीक है। देखिए जुलाई अगस्त मान के चलिए, ठीक है, अगस्त से पहले ध्यान दीजिएगा,
अगस्त से पहले पहले हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए और फॉर्म आपसे भरा लिया जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नोटिफिकेशन है देख के छोड़ दिए, छोड़ देंगे और जो बच्चे आज से लग जाएंगे वही सिलेक्शन लेंगे। तो बहुत से बच्चों को हम लोग इस बार सिलेक्शन दिए हैं एसएससी जीडी में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, फिर से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, सभी टीचर एसएससी में करके पढ़ाने वाले। और आपको पढ़ना क्या है, अभी से आपको पढ़ना क्या है, पहले सिलेबस जान लीजिए। सारे बच्चे पहले क्या देख लीजिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या रहने वाला है, जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस होता है। मैथ्स आता है 20 क्वेश्चन, नया पैटर्न बदला है ना इस बार से। उसके बाद रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जीके जीएस आपके 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन। यहां हिंदी या इंग्लिश का मतलब थोड़े से हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, आप परीक्षा में हिंदी के क्वेश्चन करिए या इंग्लिश के क्वेश्चन करिए, तो ठीक है। आपका जो भी आसान आपको लगता है, हिंदी आसान लगता है तो हिंदी पढ़ लीजिए, इंग्लिश आसान लगता है तो इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश पढ़ेंगे तो आगे चल के आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं, सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं, तो इंग्लिश आपके लिए थोड़े से फायदेमंद होगी। लेकिन बहुत से बच्चे गांव से होते हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आगे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा अगर अन्य कोई वैकेंसी में आप चाहते हैं उसके थ्रू ज्वाइन करना, तो ठीक है। तो ये आप देखेंगे टोटल 80 क्वेश्चन होने वाला है और नंबर एक क्वेश्चन आपके दो नंबर के होते हैं एसएससी जीडी में, मतलब मैथ्स का 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के 40 नंबर, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के 40 नंबर, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के 40 नंबर, यानी टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर। और मेरिट आप इस बार तो देखे ही है कैसा गया है, तो आपको 135-40 नंबर लाना पड़ेगा, 140, 145, 150 आपको लाना पड़ेगा, 100 यहां पे, समझ रहे हैं, 160 में कोशिश करना है आपको कि बेहतर आए, बेहतर आए, समझ रहे हैं, बेहतर जब आप करेंगे तभी होगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और टाइम जो होता है, टाइम 60 मिनट का दिया जाता है, एक घंटा का, निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, मतलब दो नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अगर आप गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन मतलब दो नंबर में से 1/4 यानी कि 0.5 कट जाएगा, आधा नंबर आपका कट जाएगा, यानी चार क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक आपका सही भी चला जाएगा, सिंपल भाषा में कहे तो ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। वैकेंसी कितनी आने वाली है, वैकेंसी आप लोगों को बता रहे हैं ना, 1,30,000 का अभी नोटिफिकेशन आया था, तो इस बार आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती रहने वाली है, बस आप लोगों को ना मेहनत करना है, पढ़ना है। देखिए आप लोगों के लिए YouTube पे इन सारी चीजों की क्लासेस चल रही है। अभी हम आप लोगों को बता दें एसएससी जीडी 2022 में हम लोग पढ़ाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप लोगों की हम लोग क्लासेस चलाए, जितना पढ़ाया गया स्टूडेंट मेहनत किए, गूगल फॉर्म से हम लोग डेटा से पूरा मैच किए और बच्चों से बात करके दिए कि क्या पढ़ाया गया था वो आपको एग्जाम में देखने को मिला कि नहीं। बच्चे बोले हाँ सर पूरा का पूरा देखने को मिला है और सिलेक्शन 100% पक्का है। तो एसएससी जीडी के लिए हम लोग फौजी बैच चलाए थे, क्या चलाए थे, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच, और ये फौजी बैच पूरे इंडिया में एकदम नंबर वन कारगर सिद्ध हुई। जितना इसमें पढ़ाया गया पूरा का पूरा एग्जाम में देखने को मिला, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम लोग रिसर्च करके पढ़ाते हैं क्या क्या बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि जो एग्जाम में आप दे बैठे आप सिलेक्शन ले ले, कम ही पढ़े पर सिलेक्शन आपका नंबर वन हो, यानी आपकी जो प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस डालते हैं वो आपको मिले अगर आप पढ़ते हैं, तो सिर्फ आपको पढ़ना है। तो अभी हम आपको बता दें एसएससी जीडी के लिए ये फौजी बैच ऐप पे है, अगर अभी से आपको कुछ पढ़ना है मेहनत करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फौजी बैच से अभी भी पढ़ के आप कुछ दिन रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बैच आप लोगों के लिए अभी भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उससे पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें सीआरपीएफ में भी अभी आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भरा जा रहा है सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन का, तो ट्रेडमैन का उम्मीद करते हैं सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। सीआरपीएफ टेक्निकल और ट्रेडमैन एग्जाम के लिए भी हम लोगों की स्पेशल बैच चल रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए हम लोग कोई भी बैच चलाते हैं उसमें पूरा जीजान झोंक देते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं ताकि एक भी बच्चा का टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, सिंसियर है अपने जॉब के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, तो सिलेक्शन ले, तो उसके लिए भी बैच चल रहा है 100% सिलेक्शन के लिए। बैच की फी आप सभी को पता ही है एसएससी मेकर पे बहुत ही कम रखी जाती है, ताकि गांव के जो बच्चे हैं गरीब से गरीब भी बच्चा को भी है वो भी पढ़ के सिलेक्शन ले सके और फी को अफोर्ड कर सके, इसलिए फी कम रहती है, मात्र ₹250 इसकी फी है। बैच से रिलेटेड आपको किसी भी बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सर एसएससी जीडी के लिए न्यू बैच, देखिए फॉर्म जो ही आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू बैच भी लाएंगे। तो अभी आप लोग पुराने बैच से चाहते हैं पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, इससे आप रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी अगर आप सीआरपीएफ के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, और आप लोगों के लिए ये जो न्यूज रहने वाला है बहुत ही शानदार न्यूज रहने वाला है। आप लोग सभी बच्चे इस डेट को नोट रखिएगा, कौन सा डेट है देखेंगे, डेट आप नोट रखिएगा 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 से क्या होने वाला है, आपकी परीक्षा होने वाली है, तो इस डेट को आप सभी बच्चे नोट कर लेंगे। हाइट चेस्ट क्या रहने वाला है, लंबाई क्या रहने वाला है, तो इसके बारे में आप जीडी वाला वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ बताया गया है ना एसएससी जीडी में, जो आपकी हाइट रहती है वो कितना रहता है,
1.70 मांगता है, महिलाओं के लिए कम होता है हाइट, समझ रहे ना। तो ये सब हाइट चेस्ट के बारे में बोलेंगे तो एक अलग से बता देंगे, ठीक है। बस आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी अभी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी या इंग्लिश पढ़ते रहना है, ठीक है। ये चीजें आपको अभी क्या करना है, तैयारी में लग जाना है, रिदम में लग जाइए। 5-6 महीना का टाइम है आपके पास, अगर 5-6 महीना अच्छे से पढ़ देंगे तो आपकी नौकरी कहीं से भी 1% डाउट नहीं रहने वाला है कि रुकेगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस आप लोग लग के पढ़ दीजिए और एसएससी मेकर के टीम के साथ जुड़ के पढ़ दीजिए, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दे रहे हैं, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं और सिलेक्शन 100% दे रहे हैं। बस आप लोग पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। तो उम्मीद करते हैं ये न्यूज आप लोग सुनकर बहुत ही खुश हुए होंगे और बहुत से बच्चे आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और सिलेक्शन लेने के आप उसमें तैयारी में लग जाइए, आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, बस पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखेंगे सिलेबस बहुत ही आसान होता है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान, अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो कठिन है, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ बहुत अच्छे, सारे बच्चे खुश है, तो मेहनत करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद से आप लोगों के लिए जो क्लासेस चल रही हैं डेली 8 बजे रात में, आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चलती है, तो डेली 8 बजे वाली क्लास भी आप लोग सारे बच्चे ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज के इस सेशन को आप सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चे के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और ये नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज की सेशन को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी आपकी नेक्स्ट डे होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।